हेलो एवरीवन आज का टॉपिक है सम मोर टर्म्स रिलेटेड विद मोलैरिटी तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन इसमें क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोग वॉटर ऐड कर रहे हैं तो उसकी जो मोलैरिटी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है हमें ये बताना है तो ये चीज मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे यहाँ पर आपको दो सोल्यूशन दिख रहे हैं ये हो गया आपका सोल्यूशन ये हो गया आपका सोल्यूशन टू तो सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज और जो वॉल्यूम है वो कितना है वी वन सोल्यूशन टू में क्या हो रहा है कि जब हम सोल्यूशन वन में वाटर एड ऑन कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन टू का जो वॉल्यूम चेंज होकर आ रहा है वो कितना आ रहा है वी और मोलैरिटी कितनी आ रही है एम टू एज वी ऑल नो कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन टू का तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलारिटी क्या होगी डिक्रीज होगी या मैं इसको इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होगा डिक्रीज होगा तो यहां से मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ कि एम टू की जो वैल्यू होगी वो एम वन की वैल्यू से क्या होगी छोटी होगी क्लियर है तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए एक फॉर्मुला निकल कर आता है और वो फॉर्मुला क्या है एम वन है M1 M1 क्या है? M1 है आपकी इनिशियल मोलैरिटी ठीक है V1 क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम और अगर मैं बात करूं एम टू की तो एम टू क्या है एम टू है आपका फाइनल मोलैरिटी और वी टू आपका क्या है फाइनल वॉल्यूम बट क्वेश्चन अप होता है कि ये

और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स दोनों सोल्यूशन में सेम है तो मैं कह सकती हूँ तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मुला निकल कर आता है वो फॉर्मुला क्या है नंबर ऑफ मोल्स टू मोलैरिटी इन टू वॉल्यूम क्लियर हुआ आप इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो है इज विद वाटर फाइंड न्यू मोलैरिटी तो आपके पास एक सोल्यूशन है ये जो पहला सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी गिवन है जीरो पॉइंट टू और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है हंड्रेड एम एल ठीक है उसके बाद जब हमने इसमें 100 एम एल वाटर एड ऑन किया तो ये जो दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 एम पहले से था हमने उसमें 100 एम एल वाटर और ऐड किया तो 100 प्लस हंड्रेड इक्वल्स टू टू हंड्रेड एम लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी यही तो पूछा है तो जैसे कि मैंने आपसे पिछले में भी कहा था फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी क्या होती है डिक्रीज होती है तो यहां पर डाइल्यूशन वाला टर्म आ रहा है यही तो आ रहा है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो जो क्या हो जाएगा एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू एम वन की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट टू वी वन कितना है हंड्रेड एम टू कितना है एम टू हमें निकालना है और वी टू की वैल्यू कितनी है टू हंड्रेड तो यहाँ से जो m2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.2 100 upon 200 तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 0.2 2 व्हिच इज इक्वल टू 0.1 m और 0.1 मोल पर लीटर तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर ठीक है नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में तो जब मैं बात करती हूँ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की तो इसमें क्या होगा इसमें सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर मिक्सचर में देखो कैसे जैसे यहाँ पे दो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की मोलायटी कितनी है एम वन वॉल्यूम कितना है वी वन इस सॉल्यूशन की मोलायटी कितनी है एम टू और वी टू तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं मिक्स हो रहे हैं तो जब ये सॉल्यूशन मिक्स होगा तो वॉल्यूम कितना हो गया वी वन प्लस वी टू बट मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो अगर मैं इसकी मोलायरटी लिखूँ तो कितना हो जाएगा एम वन इज इकल टू एन वन अपॉन वी वन और इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी एम टू इक्वल्स टू एन टू अपॉन वी टू और अगर मैं इसकी मोलैरिटी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा एम इज इक्वल टू और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या मान लिए N एन क्योंकि इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को एड ऑन करके इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं हमें तो वो हो जाएगा एन अपॉन वी वन प्लस वी टू तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एम वन वी प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू तो वो आया कैसे जो हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स माने एन वन और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स माने एन टू तो जब ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स एड ऑन हुए तो हमें जाके ओवरऑल मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स मिला जो कितना है एन दैट इज एन वन प्लस एन टू इज टू एन वन प्लस एन टू टू एन जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो एन वन हमारा कितना आ रहा है एम वन वी वन एन टू हमारा कितना आ रहा है एम टू वी टू क्लियर है तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम वी वन प्लस वी टू अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं एन वन कितना आ रहा है एम वन वी वन एन टू कितना आ रहा है एम टू वी टू और एन कितना आ गया एन आ गया एम वी वन प्लस वी टू तो ये आ गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्लियर है अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन ये है जीरो पॉइंट टू एम हंड्रेड एम एल एच सी एल सोल्यूशन इज मिक्सड विद जीरो पॉइंट वन एम थ्री हंड्रेड एम एल एच सी एल सोल्यूशन हमें फ़ाइंड क्या करना है हमें फ़ाइंड करना है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर तो आपको दो सोल्यूशन गिवन है पहले सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है ज़ीरो पॉइंट टू वॉल्यूम कितना है हंड्रेड एम एल दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है ज़ीरो पॉइंट वन और वॉल्यूम कितना है थ्री हंड्रेड एम एल और आपसे कह रहा है कि इनका जो मिक्सचर है इसकी मोलारिटी कितनी होगी? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 कर देंगे, दैट इज 100 प्लस 300. तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मल क्या होता है? M is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. M1 कितना है? 0.2. V1 कितना है? 100. और M2 कितना है? 0.1. और V2 कितना है? 300. बी वन प्लस बी टू दैट इज हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड तो ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस थर्टी अपॉन फोर हंड्रेड विच इज़ इक्वल इन टू फिफ्टी बाय फोर हंड्रेड वन बाई एट यही तो होगा तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव एम और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये जे ई मेन्स और नीट दोनों में ही आया हुआ क्वेश्चन है जे ई मेन्स और नीट तो क्वेश्चन कितने सिंपल हैं बस आपको टर्म पता होना चाहिए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर और मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन बेसिकली होता क्या है सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट सम टर्म्स विच इज रिलेटेड विद मोलारिटी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग एंड गुड बाय